तो आपको 10 का में गए थे आप? हाँ हाँ गए थे। एक मिनट कॉल आ रहा है साहिल भाई। अस्सलाम वालेकुम फैज भाई। हाँ वालेकुम सलाम बिलाल भाई, खैरियत तो है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आपसे मिलना था, जरूरी बात करनी थी। हाँ आ जाइए ना, इधर हम लोग पार्क के पास खड़े हुए। ठीक है ठीक। भाई बिलाल भाई इस टाइम पे कैसे आ गए? इस वक्त तो वो काम पर रहते हैं। भाई कुछ घबराए घबराए लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बिलाल भाई, खैरियत है? जी बिलाल भाई अर्जेंट में बुलाया, कुछ जरूरी काम था। दरअसल फैज भाई बात ये है कि मैं कारोबारी लाइन से बहुत परेशान हूँ, दुआ भी बहुत करता हूँ लेकिन वो भी कबूल नहीं होती। आप मुझे कुछ ऐसा तावीज दे दे कि जिससे जल्दी दुआ कबूल हो जाए। भाई मेरे पास कोई तावीज तो नहीं है, लेकिन एक ऐसी चीज है जिसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी दुआ जरूर कबूल हो जाएगी। साहिल भाई मैंने आपको सुबह वो रखने दिया था ना, वो ला दीजिए। और भाई उसका यहाँ पर क्या काम? भाई आप लाइए तो सही। भाई साहिल भाई को क्या लाने भेजे हो? भाई रुको तो, साहिल भाई आते ही होंगे। देखो साहिल भाई आ गए जी। भाई ये लीजिए। हाँ बिलाल भाई ये टोपी लीजिए। लेकिन भाई ये तो टोपी है, मैंने आपको तावीज़ देने के लिए कहा था। भाई आप इस टोपी को पहन के अल्लाह ताला से सिदके दिल से यानी सच्चे दिल से दुआ कीजिए और दुआ पर यकीन रखिए, इंशाल्लाह आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। ठीक है भाई इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ। फैज भाई आपने उनके साथ में ऐसा क्यों किया? वो तो एक मामूली टोपी थी। भाई मैं आपको थोड़े टाइम से बताता हूँ। फैज भाई आपने बिलाल भाई को कुछ दिन पहले टोपी दी थी, उसका क्या रहा आपने मुझे बताया नहीं? भाई देखो बिलाल भाई वही टोपी पहन के आ रहे हैं और देखो कितने खुश लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह जब से आपने टोपी दी है फैज भाई मेरी हर दुआ कबूल होती है और अब तो मेरा कारोबार भी बहुत अच्छा चलने लगा है। भाई आपका जो कारोबार चला है और जो अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल की है इस टोपी की वजह से नहीं, बल्कि मैंने आपको जो कहा था कि जब भी दुआ कीजिए सच्चे दिल से और यकीन के साथ कीजिए, तो आपने उस तरह दुआ किया, इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी दुआ को कबूल फरमाया। फैज भाई तो फिर आपको इनको ये टोपी देने की क्या जरूरत थी? आप इनसे ऐसे भी तो कह सकते थे कि आप दिल से दुआ मांगिए। मेरे भाई टोपी तो बहाना था, असल में इनको समझाना था और दुआ पे लगाना था। आज हमारा हाल ये हो गया है कि आज हम तावीज वगैरह के चक्कर में अल्लाह से दुआएं मांगना छोड़ दिए और अल्लाह ताला से दूर हो गए। जजाकअल्लाह भाई आपने हमें समझाया कि असल तो अल्लाह ताला की तरफ सच्चे दिल से रुजू करना है।